हाय, आज मैं सेमेस्टर फोर के स्टूडेंट्स को पेपर एट के लिए कुछ गेस क्वेश्चन देने जा रही हूँ। पेपर एट में अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ना है, उसके अंतर्गत चार यूनिट पढ़ना है। माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। मैं हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। यूनिट वन में नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी, समानता एंड असमानता। यूनिट टू क्लिनिकल पिक्चर्स एंड इटोलॉजी, नैदानिक चित्र एवं कारण। यूनिट थ्री मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, उत्साह विषाद मनोविकृति। नंबर यूनिट फोर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, विकास से संबंधित विकार। अब मैं हर यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मैं उसे दूंगी। यूनिट वन, यूनिट वन से क्वेश्चन नंबर वन, समानता एवं असमानता की धारणा की विवेचना करें। डिस्कर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी। क्वेश्चन नंबर टू, समानता एवं असमानता के बीच मुख्य अंतरों का विवेचन करें। डिस्कर्स द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी। क्वेश्चन नंबर थ्री, असमानता के कसौटियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मलिटी। यूनिट टू क्लिनिकल पिक्चर्स एंड इटोलॉजी, नैदानिक चित्र एवं कारण के। क्वेश्चन वन, चिंता विकृति किसे कहते हैं, उसके कारणों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइटी डिसऑर्डर, डिस्कस इट्स कॉजेज। क्वेश्चन नंबर टू, मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति क्या है, व्हाट इज ओबेसिस कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर थ्री, मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति के कारणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ ओबेसिस कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर फोर, रूपांतर विकृति या रूपांतर उन्माद क्या है, इसके लक्षणों तथा कारणों का वर्णन करें। व्हाट इज कन्वर्सन डिसऑर्डर और कन्वर्सन हिस्टीरिया, डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स एंड इटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फाइव, रोग भ्रम विकृति के लक्षणों तथा कारणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड इटोलॉजी ऑफ हाइपोकॉन्डिया। यूनिट थ्री मैनिक डिस्प्रेसिव साइकोसिस, उत्साह विषाद मनोविकृति। क्वेश्चन नंबर वन, उत्साह विषाद के लक्षणों तथा कारणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड इटोलॉजी ऑफ मैनिक डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर टू, नशीली वस्तुओं के सेवन से होने वाली मनोविकृति का के लक्षणों का वर्णन करें। डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस ड्यू टू ड्रग। क्वेश्चन नंबर थ्री, अल्कोहल मनोविकृति क्या है, इसके लक्षणों का वर्णन करें। व्हाट इज अल्कोहल साइकोसिस, डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स। यूनिट फोर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, विकास से संबंधित विकार। क्वेश्चन नंबर वन, मानसिक दुर्बलता क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट इज मेंटल डिटार्डेशन, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर टू, मानसिक दुर्बलता कितने प्रकार की होते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, मानसिक दुर्बलता के कारणों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, मानसिक दुर्बल व्यक्तियों में सुधार लाने तथा इसकी रोकथाम की विधियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द वे फॉर ट्रीटिंग द मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल एंड मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग इट। क्वेश्चन नंबर फाइव, अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय
लर्निंग डिसएबिलिटी डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम अक्षमता के प्रकारों का वर्णन करें. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम अक्षमता की पहचान कैसे की जा सकती है, स्पष्ट करें. हाउ कैन लर्निंग डिसएबिलिटी बी आइडेंटिफिकेशन क्लियर क्लेरिफाई. थैंक यू.